अब चलिए एक नजर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी पर। इमरजेंसी के समय मोदी जी सरदार का भेष बनाकर रह रहे थे और इस दौरान मोदी जी का सामना पंजाबी ऑटो रिक्शा चालक से हुआ और वो मोदी जी से पंजाबी में बात करने लगा। इस सिचुएशन को मोदी जी ने कैसे संभाला ये बता रहे हैं आरएसएस कार्यकर्ता राजीव दवे। आज अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी में आप भी सुनिए नरेंद्र मोदी की अनसुनी कहानी, खुद राजीव दवे की जुबानी। इमरजेंसी के समय में संघ के कार्यकर्ता और प्रमुख नेताओं को पकड़ के जेल में धकेला जाता था, तभी सभी संघ के अग्रणी कार्यकर्ता अज्ञातवास में चले गए थे। हमारे घर अज्ञातवास में रुके थे। जब भी घर में थे तभी वो भगवा वस्त्र धारण करके रहते थे और जब भी बाहर निकलते थे तो सरदार जी के वेश में बाहर निकलते थे। एक बार उनको ऑटो रिक्शा वाला सरदार जी मिल गया था और वो पंजाबी में बात करना शुरू कर दिया था उसने तो थोड़ी मुश्किल हो गई थी। बाद में उन्होंने कह दिया कि भाई मैं बचपन से गुजरात में रहता हूँ तो मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, ये कह के बात को निपटा लिया था।